हेलो दोस्तों, आज हम एसक्यूएल का एक प्रोजेक्ट करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट कार सेल के ऊपर रहेगा और इसमें हम अपने क्वेश्चन आंसरों का जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक स्कीमा बनाते हैं या अपना डेटाबेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्कीमा पे जाएंगे, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। तो हमारा जो डेटा है कार्स का है, तो हमने कार्स लिखा, अप्लाई किया और अप्लाई किया और फिनिश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक स्कीमा बन गया है कार्स का। अब हम इसके ड्रॉप एरो पे क्लिक करेंगे, टेबल पे जाएंगे और राइट क्लिक करके टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों ब्राउज पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे, प्रैक्टिस सीट, और यहाँ से हम अपना कार डेटा का डेटा उठा लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए हम एक अंडरस्कोर लगा देते हैं और इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे भी नेक्स्ट करेंगे। देखिए हमारा डाटा इंपोर्ट होने लग गया है। थोड़ा सा हम इसमें वेट करेंगे दोस्तों, जितना भी ये समय लेगा थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे और रिफ्रेश करेंगे एक बार, टेबल पे क्लिक करेंगे और देखिए ये हमारा डेटा आ गया, जिसमें नेम है, ईयर है, सेलिंग प्राइस है, किलोमीटर ड्राइव है, फ्यूल है, सेलर टाइप है और वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हमारा डेटा आ चुका है। और अब देखते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा स्कीमा था, इसको काट देते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अपने डेटा को यूज करेंगे, ठीक है, जो हमने स्कीमा बनाया था, उसके बाद उस पर काम करेंगे। और दोस्तों एक बात और, ये जो हमारा डेटा आया है इसके जो कॉलम है वो देखिए, नेम हमारा टेक्स्ट है, ईयर हमारा इंटीजर है, सेलिंग प्राइस हमारा इंटीजर है, मतलब डेटा और डेटा का टाइप दोनों ही यहाँ शो हो रहा है। और यहाँ पे हमारी क्वेरी शो हो जाती है, जो ग्रीन चेक आता है तो इसका मतलब हमारी क्वेरी चल चुकी है। अगर रेड क्रॉस आता है तो समझिए कोई एरर आई है। ठीक है, चलिए अब हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज कार्स करेंगे और इसको हम सेलेक्ट करके ये थंडर का बटन क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारी क्वेरी चल गई है, हमने अपने स्कीमा में एंटर कर लिया है दोस्तों। अब हम यहाँ पे अपनी पहली क्वेरी लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, सबसे पहले हम अपना डाटा देखेंगे दोस्तों। चलिए डेटा देखने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब अपने डेटा को रीड करेंगे हम दोस्तों। तो रीड करने के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्स। एक मिनट के दोस्तों, स्टार फ्रॉम कार अंडरस्कोर डेटा, इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे और थंडर का साइन चलाएंगे। देखिए यहाँ पे ये शो हो गया है क्रॉस, यानी कि हमारी एरर आ गया, हमने कुछ गलत कर दिया दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि हमने क्या गलत करा है। तो हम अपनी क्वेरी को दोबारा चलाएंगे।
देखिए दोस्तों, हमने जो अपना डेटा बनाया था ना, वो टेबल में जो बनाया था वो कार के नाम था, ना कि कार्स का। एक एस की वजह से हमारा क्रॉस हो गया। अब हम दोबारा इसको सेलेक्ट करके चलाते हैं तो देखिए हमारा डेटा आ गया। और इस तरह आपने ये भी देख लिया कि अगर कोई गलत क्वेरी चल जाती है तो एरर आ जाती है इस तरह से रेड क्रॉस बन के। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें टोटल कार निकालनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टू गेट ए काउंट ऑफ टोटल रिकॉर्ड, तो चलिए इसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार स्टार नहीं दोस्तों, काउंट। और हमारा ये, इसमें हम स्टार लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर। और फ्रॉम कहाँ से हमें लेना है दोस्तों, हमें लेना है कार टेबल से, अंडरस्कोर डेटा, और इसको सेलेक्ट करके, क्योंकि इस कार अंडरस्कोर डेटा टेबल में से हमें लेना है, तो इसको सेलेक्ट करके हम चलाएंगे। तो देखिए 7927 हमारी टोटल कार है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार विल बी अवेलेबल इन 2023, यानी कि 2023। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसकी क्वारी लिख लेते हैं, सेलेक्ट काउंट सेलेक्ट काउंट, और इसमें स्टार लगा देंगे दोस्तों। और हमारा कहाँ से है ये, फ्रॉम कार अंडरस्कोर डेटा। अब यहाँ पे दोस्तों हम वेयर लगाएंगे, वेयर वेयर ईयर इजिकल टू 2030, मतलब 2023। और इसको अब हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों और चलाते हैं। तो देखिए टोटल काउंट जो है 2023 में है 6, हमारे पास 6 काउंट आ रहे हैं, मतलब 6 कार आ रही हैं दोस्तों पूरे 2023 के अंदर। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार इज अवेलेबल इन 2020, 2021 और 2022। तो चलिए वन बाय वन करके इनको, इनकी क्वारी चलाते हैं और पता करते हैं कि किसमें कितनी कारें आई थी। सेलेक्ट सेलेक्ट के बाद हम लिखेंगे काउंट, COUNT काउंट, काउंट में हम स्टार लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, स्टार हमने दे दिया। फिर लिखेंगे फ्रॉम 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 के बाद हम लिखेंगे दोस्तों कार अंडरस्कोर डेटा। इसके बाद हम लिखेंगे दोस्तों अपना वेयर वेयर ईयर इजिकल टू, हम सबसे पहले 2020 का निकालेंगे और इसको हम चलाएंगे, इस क्वेरी को हम चलाते हैं। तो देखिए दोस्तों 2020 में हमारी कार थी 74, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, हम स्टैक 74 लिख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, इसमें हम ईयर चेंज कर देंगे बस, इसको हमने कॉपी करा। नेक्स्ट आए, नीचे आए, यहाँ पेस्ट करा, हम 21 यहाँ बना देंगे दोस्तों।
और इसको सेलेक्ट करके हम इसको चला देंगे। तो इसमें देखिए 7 कारें हैं, 2021 में 7 कारें हैं हमारे पास। चलिए अब इसको 22 में देख लेते हैं, 22 में हमारे पास कितनी कारें हैं। इसको हमने कॉपी करा, एक एंटर मारा, कंट्रोल वी करा और इसको 1 को हमने 2 करा और इसको हमने सेलेक्ट करा और चलाया। और देखिए इसमें भी 7 कार हैं हमारे पास। तो हमने ये डेटा लिख लिया है, ठीक है दोस्तों। और 2023 का तो आपने देख ही लिया था, उसमें 6 कारें थी। अगर आपको नहीं देखा हो तो एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे बस मुझे 23 लिखना है, यानी कि 3 लिखना है और इसको सेलेक्ट करना है और चलाना है। तो देखिए 6 आ गई, ये 6 कारें, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, अभी तक हमने सिंगल सिंगल देखा था, अब हम ग्रुप बाय का यूज करके देखते हैं एक साथ हम इन सब डेटा को कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट काउंट और स्टार लगाएंगे फ्रॉम, और इसके बाद हम लिखेंगे अपने टेबल का नाम डेटा कार अंडरस्कोर डेटा, फिर हम वेयर क्लॉज लगाएंगे वेयर वेयर ईयर इन ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। हमें चाहिए 2020 का, 2021 का और 2022 का और 2023 का भी ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ओपन ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ पे हम कर देंगे इसका ग्रुप बाय ईयर्स, खाली ईयर लिखेंगे दोस्तों, ईयर्स नहीं आएगा। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसको चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे ग्रुप बाय में काउंट आ गए हैं। जो हमारा 6 है वो 2023 का है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। 22 में हमारी 7 थी, 21 में भी 7 थी और 2020 में हमारी कारें 74 थी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन का आंसर भी प्राप्त कर लिया दोस्तों। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट टोटल ऑफ ऑल कार बाय ईयर। तो देखिए दोस्तों, अब इसका हम कैसे हल निकालते हैं। सबसे पहले अपनी क्वेरी लिख लेते हैं, सेलेक्ट ईयर कोमा काउंट और इसमें हम स्टार लगा देंगे दोस्तों फ्रॉम हमारी टेबल का नाम दे देंगे दोस्तों डेटा ग्रुप ग्रुप बाय ये। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों और इसको हम चलाते हैं। तो देखिए हमारे जितने भी ईयर हैं उनमें ग्रुप बाय होके, मतलब ईयर का ग्रुप बाय करके जिस ईयर में जितनी कारें थी वो सब दिखा दी हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम टोटल ऑफ ईयर ग्रुप बाय करके हम काउंट कारों का काउंट भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डीजल कार विल देयर बी इन 2020। तो चलिए इसकी क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट काउंट, इसमें स्टार लगाते हैं फ्रॉम टेबल
डेटा, अब हम वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर ईयर ईयर इज इक्वल टू 2020, अब एंड लगाएंगे, एंड ऑपरेटर, क्योंकि हमारा फ्यूल भी पूछा था, उसने डीजल कहा था, तो फ्यूल हमारा अब इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा डीजल, इनवर्टेड कॉमा बंद कर दिया है दोस्तों। और अब इस क्वेरी को हम चलाते हैं, हमने अपनी क्वेरी लिख ली है, देखिए अब कितनी कारें आती हैं निकल के देखते हैं। ओके, ये आ गई हमारी 20 कारें। देखा दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने निकाल लिया है, जिसका आंसर 20 आ रहा है। ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेट्रोल कार विल बी देयर इन 2020। तो देखिए ये बिल्कुल सेम डीजल कार की तरह है, बस हम उसको वहां से कॉपी करते हैं दोस्तों, इस फॉर्मूले को, मतलब इस क्वेरी को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं, और जहां हमारा डीजल लिखा है दोस्तों वहां पे हम पेट्रोल लिख देंगे बस। पेट्रोल, और इसको सेलेक्ट करके हम अपनी क्वेरी चलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 51 कारें हमारी पेट्रोल की हैं, ये भी हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट ऑल द फ्यूल कार पेट्रोल डीजल एंड सीएनजी। चलिए इसकी क्वेरी लिखते हैं वन बाय वन करके, हमें तीनों पेट्रोल डीजल और सीएनजी कार निकालनी होगी। तो हम अपनी क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट ईयर कॉमा काउंट ओपन ब्रैकेट बंद फ्रॉम, अपनी टेबल का नाम लिखते हैं कार डेटा, वेयर फ्यूल इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारा क्या है पेट्रोल, तो हमारा है पेट्रोल, और इसको हम कर देंगे ग्रुप बाय ईयर। ओके दोस्तों, ये हमने अपनी क्वेरी लिख ली है और इसको हम चलाते हैं दोस्तों। एक मिनट रुकिए दोस्तों, इसको हम चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, हमें एक एरर मिली है दोस्तों, हमने कहीं गलती कर दी है। चलिए देखते हैं कहां पे हमने मिस्टेक करी है। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब हम इसे दोबारा चलाते हैं और ये अब हमें आंसर देगी। देखिए, हमारी जितनी पेट्रोल की कार थी वो हमें आ गई है ग्रुप बाय होके ईयर की, ठीक है। अब हम इसी तरह डीजल और सीएनजी की भी निकालेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एंटर मारते हैं, एक एंटर मारते हैं, इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, और जहां पेट्रोल लिखा है वहां पे डीजल लिख देंगे दोस्तों।
चलिए अब हमने यहाँ पे इसको डीजल की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसको सही कर देते हैं। ओके, अब इसको सेलेक्ट करके हम इसको चलाते हैं क्वेरी को। तो देखिए यहाँ पे हमारी डीजल की कारें आ गई हैं दोस्तों। अब हम इसी तरह इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और एक एंटर मारते हैं, नीचे आते हैं, पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम सीएनजी लिख देते हैं दोस्तों, सीएनजी, ठीक है। अब इसको चलाते हैं तो अब हमारी सीएनजी भी जितनी भी कारें थी वो आ जाएंगी। देखिए सीएनजी की भी आ गई। तो इस तरह हमने दोस्तों तीनों अपनी पेट्रोल डीजल और सीएनजी कारों का आंसर निकाल लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ईयर हैड मोर देन 100 कार्स। चलिए इसकी क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट ईयर काउंट फ्रॉम 100 अब यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, 100 लिखेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। तो देखिए जिस जिस ईयर में 100 से ऊपर कारें हैं वो हमें शो हो गए हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने निकाल लिया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है विच ईयर हैड लेस देन 100 कार्स, मतलब किस ईयर में 100 से कम कारें हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी क्वेरी को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। जहां हमने ग्रेटर देन का साइन लगा रखा है वहां पे हम लेस देन का साइन लगाएंगे और अपनी क्वेरी को चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमने कहा था जिस ईयर में 100 से कम कारें हैं वो ईयर हमारे सामने आ गया है। और मैं ड्रॉप एरो करके भी आपको पूरा दिखा देता हूं, कोई भी कार 100 से ऊपर नहीं जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने निकाल लिया है दोस्तों। ओके अब ओके दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कार काउंट्स डिटेल्स बिटवीन 2015 से 2023 के बीच की, मतलब 2015 से 23 के बीच की सभी कारों की डिटेल्स मांगी जा रही है। चलिए इसकी क्वेरी लिखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट काउंट फ्रॉम कहां से, अपने टेबल कार अंडरस्कोर डेटा डेटा से। अब हम वेयर ईयर ईयर बिटवीन 2015 एंड 2023। अब इस क्वेरी को चलाते हैं दोस्तों और देखिए हमारा आंसर आ गया है 4124, हमारे जो 2015 और 23 के बीच के काउंट है।
ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कार डिटेल बिटवीन 2015 टू 2023। देखिए दोस्तों, ऊपर वाले में उसने काउंट मांगे थे कि ऑल कार के काउंट कितने, यहाँ पे पूरी डिटेल मांगी है। तो चलिए इसकी क्वेरी लिख लेते हैं। सेलेक्ट विशाल फ्रॉम कार, हमारी टेबल का नाम डेटा, वेयर ईयर बिटवीन 2005 to 2023, कोमा इनवर्टेड कोमा वो सेमी कॉलन, और उसके बाद हम इसको क्वेरी को रन करेंगे। ओ देखिए, यहाँ पे हमारी कुछ गलती हो गई है। यहाँ पे दोस्तों हमने टू लिख दिया, इसको हम एंड लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम इसको एंड ही लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं इसको। यस, तो देखिए हमारी पूरी डिटेल निकल के आ गई है जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था। तो इसी तरह हमने पूरे डेटा का एनालाइज किया और इसमें से क्वेरी चला चला के, मतलब क्वेरी लिख लिख के क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया है। ये हमारा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट है जो कि हमने एसक्यूएल पे किया है। इसका डेटाबेस एक कार शोरूम का था जहाँ पे हमने काफ़ी कारें सेल परचेज करी, उनका रिकॉर्ड देखा और वहाँ से हम भी आंसर निकाले, मतलब अपने क्वेश्चनों के आंसर निकाले। चलिए मैं और वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।